नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज सेकंड ईयर की क्लास में आपको इंटरव्यू साक्षात्कार के बारे में अध्ययन कराऊंगी। हम पढ़ रहे थे सूचनाएं आंकड़े संकलन करने की प्रविधियां, उसमें हमने प्रश्नावली अनुसूची के बारे में अध्ययन कर लिया है। तो आज हम अध्ययन करेंगे साक्षात्कार इंटरव्यू मेथड। साक्षात्कार अनुसंधान में आंकड़े संकलन करने की एक प्राचीन और बहुचर्चित प्रविधि है। इसका समाजशास्त्र में भी बहुत प्रयोग किया जाता है। हम सभी परिचित हैं इंटरव्यू नाम से। इंटरव्यू कभी कभी एग्जाम के लिए होता है, कभी किसी कंपनी में प्लेसमेंट के लिए होता है, लेकिन यहां हम सूचना संकलन के लिए साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं। जब अध्ययनकर्ता प्राथमिक सामग्री का एकत्रीकरण करता है तो वह फील्ड में जाता है और सूचनाओं को एकत्रित करता है। तो साक्षात्कार दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक बैठक है जिसमें अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं से अपनी समस्या से संबंधित औपचारिक या अनौपचारिक रूप से प्रश्न पूछकर सूचनाएं एकत्रित करता है। अर्थात साक्षात्कार क्या है? सूचना एकत्रीकरण की एक प्रविधि। इंटरव्यू बना है इंटर प्लस व्यू से मिलकर, और इंटर का तात्पर्य है भीतर, व्यू का अर्थ है देखना। तो इंटरव्यू से तात्पर्य है सूचनादाता के आंतरिक जीवन को देखना, अर्थात जिन अदृश्य तथ्यों का ऊपरी या बाह्य निरीक्षण असंभव हो, उन भीतरी तथ्यों की जानकारी एकत्रित करना ही साक्षात्कार कहलाता है। मतलब गहराई तक सूचनाओं को एकत्र करना, जानना। अब विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समय समय पर कई सारी परिभाषाएं हमें साक्षात्कार प्रविधि की दी है। उसमें से प्रमुख रूप से दो परिभाषाएं मैंने ली हैं। फर्स्ट है गुडे एवं हॉट के अनुसार, मौलिक रूप से साक्षात्कार अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। मतलब साक्षात्कार में सामाजिक अंतःक्रिया होती है। हम व्यक्ति से समाज के बारे में, उसके स्वयं के बारे में, सामाजिक घटनाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दूसरी परिभाषा मैंने C.A. Mosher की ली है। C.A. Mosher के अनुसार, एक सर्वेक्षण साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। अर्थात साक्षात्कार में हम निश्चित सूचनाएं प्राप्त करते हैं। इसमें अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता के मध्य एक बातचीत होती है और बातचीत के माध्यम से सूचनाओं का एकत्रीकरण किया जाता है, सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर ये कह सकते हैं कि सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए साक्षात्कार व्यक्तियों के व्यवहारों के निरीक्षण और आलेखन की एक व्यवस्थित पद्धति है। मतलब इसमें हम निरीक्षण भी कर लेते हैं, देखते भी हैं और साथ में लिखते भी जाते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति सूचनादाताओं की भीतर की जीवन दशाओं में प्रवेश करता है और उनकी मनोवृत्तियों को जानने का प्रयास करता है। अतः यह एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। परिभाषाओं को समझ लेने से हमें इसकी कुछ विशेषताओं की जानकारी भी हो गई है। परिभाषाएं ये इंगित कर रही हैं कि साक्षात्कार एक वार्तालाप है उत्तरदाता और साक्षात्कर्ता के मध्य, और इससे सूचनाओं का एकत्रीकरण होता है। तो अब हम पढ़ेंगे साक्षात्कार की विशेषताएं। वे कौन सी विशेषताएं हैं जो साक्षात्कार को महत्वपूर्ण बनाती हैं? उसमें प्रमुख है
साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान में आंकड़े संकलन करने की एक प्रविधि है। जो हमने शुरू में ही पढ़ा था कि साक्षात्कार के माध्यम से सूचनाओं का संकलन होता है, आंकड़े मतलब डेटा, डेटा का संकलन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता है। सेकंड, साक्षात्कार के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, अर्थात इंटरव्यू में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में मिलना आवश्यक है, एक उत्तरदाता और एक साक्षात्कारकर्ता, कम से कम दो जने तो होने ही चाहिए और दो से अधिक व्यक्ति भी साक्षात्कार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड है, साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है, अर्थात साक्षात्कार में बातचीत तो होती है लेकिन उस बातचीत का कोई उद्देश्य अवश्य होता है। इसकी अगली विशेषताएं हैं, साक्षात्कार प्राथमिक सामग्री एकत्रित करने का साधन माना जाता है, अर्थात साक्षात्कार के द्वारा प्राथमिक सामग्री, प्राथमिक सामग्री किसे कहते हैं, जिसमें उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता आमने सामने शामिल हो, एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मिलते हो, तो साक्षात्कार के माध्यम से प्राथमिक सामग्री का एकत्रीकरण किया जाता है। साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता द्वारा अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं एवं तथ्यों का संकलन किया जाता है, अर्थात साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता अपनी सूचनाओं का संकलन उद्देश्य के माध्यम से करता है, जिस अध्ययन का वह जिस विषय का उसे अध्ययन करना होता है। इसके अतिरिक्त और भी कई विशेषताएं साक्षात्कार की हैं, जैसे साक्षात्कार में दो पक्षों के बीच एक सामाजिक स्थिति उत्पन्न हो जाने से यह एक सामाजिक प्रक्रिया मानी जाती है, तो साक्षात्कार एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत दो पक्षों के बीच में आपस में अंतःक्रिया होती है, आपस में वार्तालाप होती है। इन व्यक्तियों में एक प्रश्न करने वाला व्यक्ति साक्षात्कारकर्ता होता है तथा उत्तर देने वाला व्यक्ति साक्षात्कार दाता होता है, अर्थात एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति उत्तर देता है, तो प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति साक्षात्कारकर्ता और उत्तर देने वाला व्यक्ति साक्षात्कार दाता कहलाता है। साक्षात्कार में दोनों पक्षों में आमने सामने के पारस्परिक तथा प्राथमिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, तो साक्षात्कार में संबंध उनमें पारस्परिक प्राथमिक संबंध होते हैं, वे आपस में एक दूसरे को पहचानने लगते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है जिसके अंदर कम से कम दो या अधिक व्यक्तियों का आपस में सामंजस्य होता है, वे आपस में वार्तालाप करते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि साक्षात्कार में इन विशेषताओं को जान लेने के पश्चात इसके उद्देश्य क्या हैं? किस उद्देश्य को लेकर इंटरव्यू किया जाता है, इंटरव्यू के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, डेटा का कलेक्शन किया जाता है, तो अगला हम पढ़ेंगे साक्षात्कार के उद्देश्य। और इसका पहला उद्देश्य है प्रत्यक्ष संपर्क। यह हमने देखा कि साक्षात्कार में उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता है, कुछ सूचनाएं प्रश्नावली या अन्य प्रत्यक्ष विधियों से प्राप्त करना थोड़ा कठिन होता है, ऐसी स्थिति में अध्ययनकर्ता को अपने सूचनादाताओं से आमने सामने खुलकर बातचीत करना पड़ता है और इसीलिए प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने के लिए साक्षात्कार की प्रविधि को अपनाया जाता है। इसका अगला उद्देश्य है गुणात्मक तथ्यों का ज्ञान। साक्षात्कार के द्वारा अध्ययन किए जाने वाले समूह के सामाजिक गुणों जैसे मूल्यों, नियमों, व्यवहार प्रतिमानों, आदर्शों, रुचियों एवं विश्वासों आदि गुणात्मक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसके माध्यम से
हमें अनेक आंतरिक और व्यक्तिगत तथ्यों के बारे में भी सहायता प्राप्त होती है कि कैसे हम व्यक्ति के गुणात्मक तथ्यों को भी साक्षात्कार के माध्यम से जान लेते हैं। अगला उद्देश्य है नवीन प्राकल्पनाओं का स्रोत। प्राकल्पनाएं हमेशा अनुसंधान का राह दिखाने का कार्य करती हैं। तो साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य नवीन प्राकल्पनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करना होता है। जब अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से प्रश्न करता है तो वह और भी कई सारी जानकारियां उसके द्वारा हासिल कर लेता है। तो ये जो नई दूसरी तरह की सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, यह प्राकल्पना निर्माण में मदद करती है। साक्षात्कार के दौरान व्यक्ति और समूह के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त होता है, नए क्षेत्रों का पता लगता है, लोगों की भावनाओं, मनोवृत्तियों, विचारों तथा आकांक्षाओं की भी जानकारी होती है और इससे ही नवीन प्राकल्पनाओं का निर्माण होता है। तो साक्षात्कार के बहुत सारे उद्देश्य हैं, उनमें से ये कुछ प्रमुख उद्देश्यों का अभी हमने स्टडी किया है। इसका नेक्स्ट उद्देश्य है व्यक्तिगत सूचनाओं का संकलन। साक्षात्कार के माध्यम से लोगों के जीवन से संबंधित व्यक्तिगत एवं आंतरिक सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं। ऐसी सूचनाओं को पीवी यंग मानव व्यक्ति का चित्र कहते हैं। अतः यह सूचना दाताओं के आंतरिक जीवन से संबंधित, जिसे हम अवलोकन द्वारा नहीं देख सकते, साक्षात्कार के माध्यम से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। तो साक्षात्कार व्यक्तिगत सूचनाओं के संकलन का बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत ही अच्छी प्रविधि है। नेक्स्ट है विभिन्न विचारों के लिए। कभी कभी किसी समस्या के बारे में कुछ लोग समर्थक, कुछ विरोधी और कुछ तटस्थ होते हैं। तो ऐसी विवादास्पद स्थिति में या इसके बारे में अध्ययन करने में भी हमें साक्षात्कार का आयोजन करना पड़ता है और साक्षात्कार के माध्यम से हम इन विभिन्न सूचनाओं को भी एकत्रित कर लेते हैं। अगला उद्देश्य है अवलोकन का अवसर। व्यक्तिगत तथ्यों को बातचीत के द्वारा जानने के साथ ही प्राय अवलोकन को भी संभव बनाता है साक्षात्कार। साक्षात्कार के माध्यम से हम उत्तरदाता को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और अवलोकन द्वारा भी अपनी सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं। तो साक्षात्कार में अवलोकन का अवसर भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अन्य प्रविधियों को प्रभावपूर्ण बनाना। साक्षात्कार एक पूर्ण प्रविधि है। यह अन्य प्रविधियों को भी प्रभावपूर्णता बढ़ाने में मदद करती है, प्रयोग की जाती है। साक्षात्कार का उद्देश्य प्रश्नावली, अवलोकन एवं अन्य विधियों द्वारा प्राप्त सामग्री की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को जानना भी है। तो साक्षात्कार के माध्यम से अन्य प्रविधियों को भी प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। अनुसूची, अवलोकन, इनमें भी साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। साक्षात्कार का उद्देश्य समस्या के बारे में विभिन्न विचारों तथा अतिरिक्त सूचनाओं को भी प्राप्त करना है और इन्हीं के माध्यम से नई प्राकल्पनाओं के निर्माण में मदद मिलती है। तो साक्षात्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं को एकत्रीकरण करते हैं। तो इसके उद्देश्य हैं प्रत्यक्ष संपर्क, गुणात्मक तथ्यों का ज्ञान, नवीन प्राकल्पनाओं का स्रोत, व्यक्तिगत सूचनाओं का संकलन, विभिन्न विचारों के लिए अवलोकन का अवसर, अन्य प्रविधियों को प्रभावपूर्ण बनाना। तो इस प्रकार हमने समझा कि साक्षात्कार एक दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। इसके माध्यम से प्राथमिक सामग्री का संकलन किया जाता है जो कि अनुसंधान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी कुछ विशेषताओं और उद्देश्यों का अध्ययन आज की वीडियो में हमने किया।
संभव है आपको जरूर अच्छा लगा होगा, आप वीडियो जरूर देख रहे होंगे, आप वीडियो जरूर देखें क्योंकि इसी के माध्यम से इस साल आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी और सारा सब्जेक्ट सारा कंटेंट आपको घर बैठे समझाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।